हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनील कुमारी और आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ट्यूटोरियल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वेरिएंस एनालिसिस। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था, व्हाट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट इट्स ए कंट्रोल मैकेनिज्म अंडर विच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड, देन दीज आर कम्पेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड इफ एनी डिविएशन इज फाउंड देयर टू एनालाइज इट सो दैट कॉस्ट कुड बी मिनिमाइज्ड आर कंट्रोल्ड। यानी कि बिगिनिंग में हम अपनी कॉस्ट का एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम एक्चुअल कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा। और ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि दोनों में डिफरेंस मिलता ही मिलता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, क्योंकि हमें ऐसा हार्डली या रेयरली ही देखने या सुनने को मिलेगा जब हम जो प्लान आउट करते हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहती है वो डिक्टो या सेम रहे। सो वेरिएंस इज नथिंग बट इट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सेम हैज बीन डिफाइंड बाय द CIMA लंडन। ए वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द कंपेरेबल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में हम वेरिएंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस, एज नेम क्लियर्स, व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल द वेरिएंस, यानी कि वी कैन टेक द रिमेडियल एक्शन, हम उसको सुधार सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनकी कोई रेकरेंस ना हो। तो और जितने भी इंटरनल मैटर्स होते हैं वो हमारे विद इन कंट्रोल होते हैं। इंटरनल मैटर्स मीन्स हमारी संस्था के अंदर के जितने भी मामले या इश्यूज होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पर जितने भी वेरिएंसेस, उनकी वजह से, हमारे इंटरनल मैटर्स की वजह से जो भी वेरिएंसेस अराइज होते हैं वो सारे कंट्रोलेबल वेरिएंसेस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी जो लेबर थी वो स्ट्राइक पर चली गई, वो डिससेटिस्फाइड थे। अगर हम उनको सेटिस्फाई करते या उनको बेटर नेगोशिएट करते उनके साथ तो उनको रोका जा सकता था। तो ये कैसा मैटर है, इंटरनल मैटर है, तो ये कंट्रोलेबल वेरिएंस है, इसकी वजह से अगर कोई वेरिएंस अराइज हुआ है। क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर्स, कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल के वो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगे, यानी कि 1000 यूनिट्स या उससे ज्यादा एक साथ इकट्ठा परचेज करेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट अलाउ करेंगे। अब ये हमारी मैनेजमेंट या अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो डिस्काउंट को अवेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस के कम होने की वजह से एक्चुअल कॉस्ट है कम हो जाएगी, तो हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल या तो कम हो जाएगा या फिर फेवरेबल रहेगा। तो ये इस टाइप के जो वेरिएंसेस हैं वो कौन से वेरिएंसेस हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंसेस हैं। अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस के जस्ट ऑपोजिट है, कहते हैं जो जब चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती है तो वो अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस है। और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं वो हमारे नियंत्रण क्षेत्र से बाहर ही होते हैं। एग्जाम्पल है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन मार्केट, मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, हम उसको बढ़ा ही नहीं सकते। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कोरोना। कोरोना की वजह से सारे प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट हो गई हैं, तो ऑब्वियस है कि जो हमारे स्टैंडर्ड थे, जो हमारे टारगेट्स थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों में डिफरेंस आएगा ही आएगा। यानी कि ये कैसा वेरिएंस है, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर हमारे वेरिएंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस, जब वेरिएंस हमारे फेवर में होता है। फेवर में कब होता है, व्हेन इट इंक्रीजेस आवर प्रॉफिट, जब हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट को इंक्रीज कब करता है कि जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 की कॉस्ट आएगी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वाज रुपीज 10,000, एक्चुअल में कॉस्ट कितने की आई हमारी 8,000 रुपीज की, तो हमें कितने की सेविंग है, 2,000 की, राइट। तो ये कैसा वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अनफेवरेबल वेरिएंस इसका जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि इसका रिवर्ट कर लेते हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था 8,000 रुपीज का स्टैंडर्ड कॉस्ट रहेगी, एक्चुअल में 10,000 की कॉस्ट आ गई, तो 2,000 की एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस यानी कि कॉस्ट आई है, तो दैट विल डिक्रीज आवर प्रॉफिट, तो वो अनफेवरेबल वेरिएंस है। अनफेवरेबल वेरिएंस तभी आता है जब हमारा स्टैंडर्ड इज लेसर देन एक्चुअल।
ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स वेरियंसिस की तीन कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि कॉस्ट के ही तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो उन्हीं के बेस पे वही वेरियंसिस हो जाएंगे। हमने डिटेल में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। कॉस्ट एलिमेंट्स के बेस पर तीन ही क्लासिफिकेशन अभी बताए हैं, मटेरियल वेरियंसिस, लेबर वेरियंसिस एंड ओवरहेड वेरियंसिस। इनको हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं किसकी, मटेरियल वेरियंसिस की। मटेरियल वेरियंसिस की थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, सेकंड वन इज मटेरियल प्राइस वेरियंस एंड थर्ड वन इज मटेरियल यूसेज वेरियंस। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, वेरियंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट है, तो किसमें डिफरेंस, कॉस्ट में, किसकी कॉस्ट में, मटेरियल की में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस के एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में ऑल फिगर्स आर गिवन, स्टैंडर्ड भी एक्चुअल भी, देख लेते हैं। प्राइस हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि स्टैंडर्ड है हमारा रूपीज 10 पर केजी, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कितना रहा, 8 पर केजी। क्वांटिटी हमने एक्सपेक्ट की थी कि 200 केजीज लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी कंज्यूम हुई, 150 केजी। कहता है कि दोनों ही चीजें हमारे फेवर में है, क्योंकि प्राइस भी हमने एक्सपेक्ट किया था 10 पर केजी और एक्चुअल प्राइस भी कम रहा, क्वांटिटी भी हमने 200 केजी को एक्सपेक्ट किया था लेकिन एक्चुअल में कितनी कंज्यूम हुई, 150 केजी। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस के एक्चुअल कॉस्ट। किसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल की, एक्चुअल कॉस्ट भी किसकी, मटेरियल की। कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस स्टैंडर्ड फिगर्स ले लेते हैं पहले, कितने केजीज हैं, 2 केजीज, और प्राइस कितना है, 10 पर केजीज, 2 केजीज 10 पर केजी, यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000। अगर एक्चुअल कॉस्ट कंप्यूट करें तो 150 केजी, प्राइस है 8 पर केजी, तो प्राइस यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट 1200 और वेरियंस कितना हो जाएगा, 800। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फेवरेबल, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये फेवरेबल कब आएगा, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो ये फेवरेबल है, अगर माइनस में आंसर आता है तो ये अनफेवरेबल वेरियंस होता है। ये आपको कोट जरूर करना है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। नेक्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरियंस। देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट में कॉस्ट के दो, मटेरियल कॉस्ट के दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें दो चीजें हमने इंक्लूड की है, एक तो क्वांटिटी और दूसरा क्या, प्राइस। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, मटेरियल की कॉस्ट का डिफरेंस है, जो वेरियंस है, उसमें प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस आया है, तो दैट इज नोन एज मटेरियल प्राइस वेरियंस। तो अब डिफरेंस किसका देखेंगे हम, प्राइस का ही देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस के एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना हमारा, 10 पर केजी, एक्चुअल कितना है, 8 पर केजी, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 2 पर केजी, राइट। यानी कि ये तो पर केजी हुआ ना, हमने अब इसे एग्रीगेट अमाउंट में कन्वर्ट करना है, और तो यूनिट्स कितनी है, 150 केजी है, एक्चुअल क्वांटिटी को लेना है ताकि हम इसे एग्रीगेट यानी कि टोटल में कन्वर्ट कर सकें। तो यानी कि रूपीज 2 पर केजी है, लेकिन केजीज कितने लेने हैं, 150, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 300, और ये भी किस में आया है, प्लस में आया है, तो फेवरेबल कहलाएगा। नेक्स्ट इज मटेरियल यूजेज वेरियंस। अब हमने जो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है, कॉस्ट में दोनों थे, प्राइस का अलग कर लिया है, अब हमने यूजेस का देखना है कि यूजेस की वजह से, यूजेस मीन्स क्वांटिटी की वजह से कितना डिफरेंस आया है। क्वांटिटी की वजह से देख लीजिएगा, हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, 200 केजी, और एक्चुअल में हमारा क्वांटिटी कंज्यूम कितना हुआ, 150 केजी, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 50 केजीज कम लगे हैं, 50 केजीज। तो ये तो केजीज में हुआ ना, हमारा वेरियंस हमेशा किस में होता है, रूपीज में होता है, तो अब इसको रूपीज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 50 केजीज इंटू 10 पर केजी, तो ये कितना हो जाएगा, 500, और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एसपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये 500 फेवरेबल आ जाएगा। और अब अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा प्राइस वेरियंस 300 है, यूजेस वेरियंस 500 है, दोनों मिलाकर 800 बन जाते हैं, और हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस भी कितना है, 800 है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरियंस।
दोनों को टोटल के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस्ट में दोनों ही एलिमेंट्स इंक्लूड है, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। प्राइस में सिर्फ प्राइस इंक्लूड है और क्वांटिटी यूसेज वेरियंस में सिर्फ यूसेज है, तो दोनों को टोटल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के इक्वल। अब इनको फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस के एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट किया? अभी अभी हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट किया? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एसक्यू इनटू एसपी माइनस के एक्यू इनटू एपी। मटेरियल प्राइस वेरियंस अभी देखा हमने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस के एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मटेरियल यूजेस वेरियंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस के एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब एक बात यहां पर देखने वाली क्या है कि जब हम मटेरियल प्राइस वेरियंस कंप्यूट कर रहे हैं तो हम वेरियंस प्राइस का ले रहे हैं, तो हमने फ्रंट में प्राइस को रखना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस के एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी को बाद में मल्टीप्लाई करना है। जब हम मटेरियल यूजेस वेरियंस कंप्यूट कर रहे हैं तो यानी कि हमने वेरियंस किसका लेना है? यूजेस का लेना है, तो फ्रंट में हमने किसको रखना है? क्वांटिटी को रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस को बाद में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर क्वांटिटी एक्चुअल रहेगी, यहां पर प्राइस क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मटेरियल कॉस्ट इज वेरियंस इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरियंस। आज के लिए इतना ही। If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपडेट्स भी मिलते रहें और आप इनके फर्दर वीडियोज भी व्यू कर सकें। थैंक यू।